थाना टूंडला क्षेत्र के अंतर्गत आर के कोल्ड स्टोर संचालक के द्वारा अमोनिया गैस छोड़े जाने से किसानों की हजारों बीघा आलू की फसल हुई बर्बाद। पूरा मामला थाना पछोकरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव श्रीनगर के पास का है। आज दिनांक 3/12/2022 को थाना पछोकरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव श्रीनगर पर स्थित कोल संचालक के द्वारा कोल से अमोनिया गैस छोड़े जाने से किसानों का हजारों बीघे की तादाद में आलू की फसल हुई नष्ट। किसानों को इस चीज़ की जानकारी जब हुई, जब वह सुबह अपने खेत पर पहुंचे, किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा इकट्ठा हो गया। किसानों ने कोल्ड स्टोर स्वामी पर लगाया दबंगई का आरोप। इसके चलते हुए नज़दीकी थाना पछोकरा ने समस्त किसानों से एकत्रित होकर पुलिस को तहरीर दी। किसानों ने जानकारी देते हुए पुलिस को बताया 2 दर्जन से अधिक किसानों की आलू की फसल अमोनिया गैस से बर्बाद हो चुकी है, हमें इसका मुआवजा चाहिए। भाई, आपका नाम क्या है? अतुल चौधरी। ये आप खेत पे आए हुए ये पौधे दिखा रहे हैं, किस तरीके का मामला है? ये कोई जहरीली गैस छोड़ी गई है, उससे हुआ है। आर के कोल्ड वालों ने अमोनिया गैस छोड़ दी है, उससे ये सारे मतलब आलू हमारे जल गए हैं। जो बीज हम नया लाए थे आर के सिंह वालों का 4200। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संतोष कुमार उपाध्याय। अच्छा, ये पौधे पकड़े हुए हैं, कैसे क्या है, क्या हुआ है इन पौधों में? ये कल शाम को हम देखने आए थे, बढ़िया था। रात में इन्होंने आर के कोल्ड वालों ने अमोनिया गैस को छोड़ दिया है, उसमें ये सारी फसल हमारी नष्ट हो गई है। जिसमें हमने नया बीज बोया था चंबल का 4200 रुपये कुंटल खरीद के, जो कि इन्होंने रात में अमोनिया गैस छोड़ के सारा हमारा बर्बाद कर दिया है। अच्छा, जो कितने भी करीब जहाँ जमीन है बर्बाद हुई है, जमीन का ये खर्च कर दिया हम सारे किसानों का। कौन सा गांव है ये? गांव श्रीनगर है, गड़ी दया के हैं और थाना पचोखरा पड़ता है, जिला फिरोजाबाद है।